शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहीदी दिवस पर नेशनल इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविटीज की ओर से पूरे देश में आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसके चलते पठानकोट में भी पठानकोट ब्लड डोनर्स टीम के सहयोग के साथ कबाड़ धर्मशाला गुरदासपुर रोड पठानकोट में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अमित विज उपस्थित हुए, जिन्होंने स्वयं रक्तदान करके वे शहीदों की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करके शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान भारी संख्या में नौजवानों, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ पुलिस अधिकारियों ने भी रक्तदान किया तथा इस महादान के लिए आगे आने हेतु सबको प्रेरित किया। वहीं इस दौरान कोऑर्डिनेटर अनिल कुमार ने बताया कि आज पूरे देश में 1500 के करीब रक्तदान शिविर लगे हैं, जहां लोगों ने रक्तदान करके देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक गल कहना चाहना कि अज 70वां शहीदी दिवस है, शहीद भगत सिंह जी का, शहीद राजगुरु जी का, श्री शहीद सुखदेव जी का। तो जदों यह शहादत हुई सी, उस तो बाद ही अंग्रेजा ने अपना मन बना लिया सी कि सानू यह देश छड़ना पैना, तो उदों ही साड़ी आज़ादी पक्की हो गई सी कि देश ने आज़ाद होना है। जदों यह शहादत हुई सी तो इन्होंने देश नूं मिल के आज़ाद किए ने, तो अज पूरे देश विच ब्लड डोनेशन का कैंप लगे दा, तो 90,000 बोतलों का जिहड़े साडे बॉटल्स है उहदा टारगेट है। मैं सारे नूं यही कहांगा कि यह जिहड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होंदी है सोसाइटी वास्ते, चाहे कोई सोशल सर्विस के थ्रू दिंदा, कोई अपनी नौकरी छड्ड के दिंदा, कोई फौज च जा के दिंदे ने, कोई अपने परिवार नूं त्याग के दिंदे ने, इहदे जिन्नी देर तक यह त्याग नहीं होएगा उन्नी देर तक साडा जिहड़ा समाज है, साडी जिहड़ी सोसाइटी है, वह पूरी नहीं हो सकती। तो जे ब्लड डोनेशन तो एक इन्ना पवित्र काम है जी कि सोसाइटी नूं इस चीज़ की बहुत लोड़ है। मैं जी अपने पठानकोट की भी गल करा, साडा सिविल हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा फंक्शनल है। साडे सिविल हॉस्पिटल च असी हिमाचल तो J&K के लोगों नूं भी टेक केयर करने आ। साडे सिविल हॉस्पिटल पठानकोट विच सब तो ज़्यादा प्रैगनेंट केसिज आते हैं, एक्सीडेंट के केसिस बहुत ने, तो कई जाना सिर्फ एक ब्लड की बोतल नाल ब्लड नाल बच जाती है। तो मैं सारे यूथ नूं यही कहांगा कि तुसी अज 70वें शहादत दिवस से जरूर दो, जे अज नहीं दे पा रहे ऐसे नाम से कभी भी अपना ब्लड डोनेट जरूर करो, क्योंकि ब्लड डोनेशन साड़ी सोसाइटी नूं, साड़ी समाज नूं किते ना किते किसी की जान जरूर बचांदा है जी। अज मानयोग MLA साहब और पठानकोट ब्लड डोनेट कंपनी वालों कौड़ धर्मशाला में कैंप लगाया गया, जिदे ब्लड डोनेट किया। ये हर पब्लिक के इंसान को जो ब्लड अपना डोनेट करना चाहिए, जोड़ा कि लोड़वंद व्यक्तियों के जोड़ा ये काम आ सकता। सर तुम्हें ब्लड डोनेट किया, सोच के किया? बस जी अपनी खुशी लिए किया जी, बस कोई किसी कोई बंदोगिरी नहीं है, खुशी लिए किया। मेरा कहना यही है अपने पठानकोट के सारे यूथ को, जो जो ब्लड डोनेट कर सकता उन्होंने ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करना किसी के शरीर चो कोई कमी नहीं आती, इहदे नाल तुहाडे शरीर का ब्लड सर्कुलेट सगो वधिया चलता है, तो कई तरह की प्रॉब्लम ठीक होंदियां। तो सारे नूं मैं यही कहांगा कि अज 23 मार्च अपने भगत सिंह जी की शहीदी दिवस से सारे बढ़ चढ़ के इत्थे आके ब्लड डोनेट करन, ताकि असी किसी एक जान नूं बचा सकीए। अज 90वें शहादत दिवस से जो ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप टीम पठानकोट ब्लड डोनर्स वालों पठानकोट के ऑर्गनाइज़ किया गया, ये एक संवेदना, एक ट्रिब्यूट है, एक असी अपने वालों एक शहीद होए साढ़े शहीद सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, उन्होंने एक संवेदना दे रहे हैं। ब्लड डोनेशन करना बहुत अच्छी चीज़ है और इस समस्त भारत के अज के दिन 1500 कैंप एक ऑर्गनाइजेशन वालों नीफा, जो नेशनल इंटीग्रेटिंग फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट एक ऑर्गनाइजेशन है बेसिकली करनाल तो, जिन्हां वालों पूरे समस्त भारत के 1500 कैंप अज के दिन के ऑर्गनाइज़ किए गए हैं और एक टारगेट लिता गया कि मिनीम 90,000 यूनिट जोड़े है
असी एक दिन दे विच एकत्रित करांगे। डाटाबेस की गल करिए तो साढ़े को लगभग 1,57,000 डोनर्स का डाटा जो है वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड है और होप्स हो कि सारिया का सहयोग सारे डोनर्स का इस तरह इतने आना डोनेट करना अगर रेगूलर रहा तो ये टारगेट बड़ी जल्दी असी अचीव कर लाँगे। टारगेट अचीव करना और वर्ल्ड ब्लड अपना संवेदना जो असी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये 90वें शहादत दिवस पर कर रहे हैं और जिन्हें भी डोनर्स आज के दिन इस ईवेंट के आए हैं उन्होंने दिलों धन्यवाद है। मैं समस्त पठानकोट ब्लड डोनर्स टीम वालों सारे पदवंते सज्जनों का NGOs का मीडिया लॉबी का थैंक्स करांगा धन्यवाद करांगा जिन्होंने आके इस ब्लड डोनेशन कैंप के शिरकत की। थैंक्स धन्यवाद जय हिंद। पठानकोट तो कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के नाल अजय सैनी की रिपोर्ट।